गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8 लिखा हुआ है. अगर आप एक्स टू दी पावर 8 को टी मानते हैं तो 8 एक्स टू दी पावर 7 आएगा. तो यहां तो ऐसा दे नहीं रखा है. तो बच्चों यहां पे क्या काम करो, एक्स क्यूब कब आएगा, जब एक्स की पावर 4 को टी मानोगे. तो आप इसको ऐसे लिख दो. ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर दिमाग में ये बात नहीं आई तो आप नहीं कर पाएंगे इस सवाल को. अब आप क्या काम करिए, एक्स टू दी पावर 4 को टी ले लिए. तो 4x³dx = dt, तो एक्स क्यूब डी एक्स की जगह आ जाएगा 1/4 dt, 1/√1 − t² और इसका फॉर्मूला आप सभी को मालूम है क्या होता है, साइन इनवर्स टी होता है, 1/sin⁻t. अब आप कहेंगे सर आपने वो क्यों नहीं लगाया, टी बाई ए का मतलब ए क्या है, 1 है, साइन इनवर्स टी. टी की वैल्यू वापस रख दीजिए, 1/4 × sin⁻t की वैल्यू वापस रख दीजिए, x⁴ + c. नोट करिए. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखते हैं. यहां पर ये आपका लीनियर है और ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है. तो अगर कोई फॉर्मेट इस टाइप से आए कि ये आपका p√q और p लीनियर हो आपका और ये आपका क्वाड्रेटिक हो, तो वहां पर क्या करते हैं, x को a/t, यहां पर x को 1/t मान करके काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. लेकिन आपका इस क्वेश्चन में ये भी इन्वॉल्व है a, तो आप x को a/t भी मान सकते हैं. तो मैं इस क्वेश्चन में वही काम करूंगा. फिर से ध्यान दीजिए, p dx / p√q, अगर p लीनियर है और q क्वाड्रेटिक है तो वहां पर x को 1/t माना जाता है. आपके क्वेश्चन में a इन्वॉल्व है तो x को a/t मान लीजिए आप. लेट x = a/t, तो dx = -a/t². अब मैं क्या करूंगा, जहां dx लिखा होगा मेरा, मैं उसकी जगह लिख दूंगा माइनस का 1/t². ए तो बाहर ले लिया मैंने, माइनस का ए, इंटीग्रेशन t² dt. अब ये तो हो गया इसकी जगह. अब मैं क्या करूंगा, एक्स क्या है मेरा, एक्स क्या है बच्चों, a/t है. तो ए टी को ऊपर ले लिया, टी मैंने ऊपर ले लिया. फिर यहां आइए, अंडर रूट ए एक्स की जगह a/t माइनस का क्या होगा, x² क्या हो जाएगा बच्चों, a² t² हो जाएगा. अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा -1/a इंटीग्रेशन t − 1 − 1/2 dt. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 1/a, ये क्या होगा, −1/2 + 1 − 1/2 + 1, तो हाफ हो जाएगा, हाफ को ऊपर ले आइएगा और ये आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर t − 1, t की वैल्यू वापस रख दीजिए, t = −1/a 2 अंडर रूट t की वैल्यू वापस रख दीजिए. ठीक से लिखेंगे तो आपका ये आ जाएगा, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e^(x) / 1 + e^(x) 2 + e^(x). ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक कराया था आपको, इंटीग्रेशन cos x / 1 + sin x 2 + sin x. तो वहां पर भी मैंने क्या काम किया था, sin x को t माना था तो ये ऊपर वाली चीज मिल गई थी. यहां पर भी ऐसा ही कुछ करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा समझाऊंगा बस आपको. इसको t मान लीजिए आप, जैसे ही मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx = dt हो जाएगा. तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, dt / 1 + t और 2 + t. बस अब आप लोग खुद करेंगे, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल मैं आपको समझा दूंगा. ये लिखा हुआ है a/t + 1 + b/t + 2, यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है जो भी a और b की वैल्यू आएगी फिर इंटीग्रेट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा और वापस t की वैल्यू रख देंगे. इन दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं, बहुत आसान सवाल है बच्चों. आपको पता होना चाहिए, वी नो e^log(x) = x. अगर यहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है e. मैंने आपको बताया था ये आपका नेचुरल लॉग है. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 5 log x है तो इसका मतलब क्या होगा, 5 log x का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, log x⁵. तो ये क्या हो जाएगा, e^log(x⁵). तो इसका आंसर क्या आएगा, x⁵. यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x⁵ x⁴ / x³ -
एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अब आप ऊपर से एक्स टू डी पावर फोर कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस वन आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस वन आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। इस वाले क्वेश्चन में भी इस फॉर्मूले का यूज हुआ है, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स लॉग, यहां ई है साइन एक्स, क्या आएगा केवल साइन एक्स आएगा डी एक्स, तो कॉस एक्स को डी मान लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का डी टी और ये आपका हो जाएगा टी क्यूब, तो माइनस का टी की पावर फोर बाई फोर। अब माइनस टी की वैल्यू वापस रख दीजिए, कॉस फोर टी माइनस कॉस टू दी पावर फोर एक्स अपॉन फोर प्लस सी। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इस थ्री को आप ऊपर ले आइए तो यहां एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब आ जाएगा अपॉन, इसको नीचे ले आइए एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन डी एक्स। अब आप इसको टी मान लीजिए, एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन को टी मानिए तो क्या आएगा फोर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि वन बाई फोर डी टी अपॉन ये आपका आ जाएगा टी, ये हो गया आपका लॉक टी, टी की वैल्यू वापस रख दीजिए वन बाई फोर लॉक टी की वैल्यू वापस रख दीजिए एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ऊपर कुछ भी नहीं दिया है, अगर मान लीजिए ऊपर एक्स डी एक्स दिया होता तो मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लेता और ऊपर वाली चीज आ जाती, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तो यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। मैंने आपको सिखाया था अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं तो इसको लिखने का तरीका होता है ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब आप लोग एलसीएम लीजिएगा, ये लिखा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ पर वन आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप लोग ये कैंसिल हो गया, अब कंपेयर करिएगा कोफिशियंट का, कंपेयर करिएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट, इनका कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लीजिएगा और उसके बाद जो है इनका इंटीग्रेट करिएगा और फिर उसके बाद अपना आंसर लिख दीजिएगा। यहां पर क्या हो रहा है डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर वन बाई टू प्लस एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री, तो अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आए तो यहां पर आप क्या काम करिए टू और थ्री का एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा सिक्स आएगा, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स टी टू पावर फाइव डी टी, यहां पुट कर दीजिए सिक्स टी टू पावर फाइव डी टी अपॉन, जब आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। अब यहां से टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जब टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऊपर टी क्यूब आ जाएगा अपॉन टी प्लस वन आ जाएगा। अब ये इसकी डिग्री ज्यादा है तो आप डिवाइड कर दीजिए टी प्लस वन टी क्यूब, जब आप करेंगे तो वन टी, यहां पे टी स्क्वायर से डिवाइड करिए तो कितना आएगा आपका टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, अभी भी डिग्री ज्यादा है अभी डिवाइड और होगा तो माइनस का टी कर दीजिए, आप माइनस का टी करेंगे तो माइनस का टी स्क्वायर और माइनस का टी आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया टी आ गया, अभी भी एक बार और होगा प्लस वन कर दीजिए तो टी प्लस वन हो जाएगा माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा ये आ गया। अब आप यहाँ पे सिक्स रख दीजिए, इसको स्प्लिट कर लीजिए टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन प्लस वन बाई माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा माइनस का वन अपॉन टी प्लस वन और ये आपका हो जाएगा डी टी। अब आप लोग आराम से कर लेंगे सिक्स, ये क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, ये आपका टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ये आपका टी हो जाएगा माइनस का लॉग टी प्लस वन। बस अब बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, टी की वैल्यू को उठा करके यहां रख दीजिएगा, टी की वैल्यू क्या होगी एक्स टू दी पावर वन बाई सिक्स, पुट एक्स टू दी पावर वन बाई सिक्स इन प्लेस ऑफ टी एंड वी गेट द आंसर। थैंक यू।